कैसे सारे दोस्त, आज तो यार आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि क्या वीआईपी गाड़ी लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आज आप गाड़ी का फुल रिव्यू देखिएगा, आपको मजा ना आए तो जो आपके इंटरनेट कैंप भी लगे हैं वो वापस हो जाएंगे। ठीक हो गया, आज आपको गाड़ी रेंज रोवर है, वॉग मॉडल है, ठीक है, ये 2014 का मॉडल है और 18 का इम्पोर्ट है। और ये आप चेक करेंगे गाड़ी तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद भी आएगी। इसके बाद आपको इसके फ्यूल की एवरेज, इसके इंजन के, इसके इंटीरियर एक्सटीरियर और इनके जो ओनर हैं उनका रिव्यू, मतलब टोटल हम आपको देंगे। हमारे साथ रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है आपको वीडियो के अंदर। चले आए आपको सबसे पहले इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं यार, आज आपको करवा रहा हूँ रेंज रोवर वॉक का मैं रिव्यू। गाड़ी का इंटीरियर चेक करें, माशाल्लाह वाइट कलर में है और ज़बरदस्त गाड़ी है, आप एक बार चेक कर लें फिर आपको इसके बारे में। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त यार। चलें जी, सबसे पहले हम आपको इसके, जिस तरह हम पहले गाड़ियों में करते हैं, इस गाड़ी में भी हम जो इसका स्टार्ट करेंगे, स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे। आपको इसका स्टीयरिंग नज़र आ रहा है, देखें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ इसके अंदर रेक्सिन की जो कॉम्बिनेशन करवाया है, और इधर आपको रेंज रोवर का बैज मिल जाता है, ठीक हो गया। और इसके अंदर देखें एयर बैग भी मौजूद है, इसके जो अभी एक एयर बैग है, टोटल इस गाड़ी में 8 एयर बैग हैं। और जो इसका पहला एयर बैग है वो आपको नज़र आ रहा है सिर्फ स्टीयरिंग व्हील के अंदर। स्टीयरिंग व्हील के अंदर अगर आप देखते हैं इसके अंदर, मतलब इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल टोटली इसके सारा कुछ है, इसके स्टीयरिंग के कंट्रोल हो गए, मेन्यू अगर आप मतलब इधर एलसीडी के अंदर इसके कंट्रोल करते हैं, मतलब आपको वहाँ से नहीं कंट्रोल करना चाह रहे तो आप स्टीयरिंग के अंदर से इस गाड़ी को पूरे का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप इसके, जिस तरह हमारी छोटी पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर मतलब इसके होते हैं जो क्या कहते हैं कंट्रोल नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर ये इसकी लाइट्स के, इसके वाइपर के कंट्रोल हो गए, ये रियर का कंट्रोल है इसका, जो इसकी बैक स्क्रीन है ना तो उसके ऊपर, मतलब अगर वाइपर वगैरह चलाने के लिए ये है, उसके सारे कंट्रोल करने के लिए ये इसकी बैक स्क्रीन पे है। उसके अलावा ये ऑटो मैनुअल दोनों है, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे इसके नीचे ये शिफ्टर, ये मैनुअल शिफ्टर हैं, ठीक हो गया, ये गियर लगाने के लिए और ये मतलब रिवर्स पिछला गियर लगाने के लिए। उसके अलावा इसके हेडलाइट्स का जो सारा ऑप्शन है और इंडिकेटर का ऑप्शन है, ये मतलब पाकिस्तानी गाड़ियों से डिफरेंट है, वो इस साइड पे है, मतलब पाकिस्तानी हमारे खोते गाड़ियाँ जो होती हैं उनके राइट साइड पे होता है और इन गाड़ियों के माशाल्लाह लेफ्ट साइड पे है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट का बटन मिल जाता है, ये इसके मोड वगैरह और सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। उसके अलावा इसकी एसी की ग्रिल्स दिखा देते हैं, ये देखें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त क्रोम की इनके अंदर फंक्शन की हुई है, और ये आप देखें बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर इसकी बिल्ड क्वालिटी, आप खुद ही देखेंगे तो आप मतलब दंग रह जाएंगे कि यार वाकई कोई चीज़ है, रेंज रोवर ऐसे नाम नहीं बनाया हुआ इसका, ये वाकई कोई चीज़ है। उसके अलावा इधर आ जाते हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर, उसके अलावा ये देखें एसी की ग्रिल्स दी हुई हैं, इसके आप कंट्रोल कर सकते हैं एसी की ग्रिल्स का। उसके अलावा अगर इसके साथ आ जाते हैं ये डैशबोर्ड के ये जो बॉक्स हैं, इसका कंट्रोल है, मतलब ये वो पाकिस्तानी गाड़ियों की तरह मैनुअल नहीं है, ये ऑटो है, मतलब इसके देखें बटन प्रेस करेंगे तो ये इसका ओपन हो गया, इसका ये जो है छोटा सा जो बक्सा सा बना हुआ है। उसके अलावा आप अगर इसको ऊपर वाला करेंगे तो ये इसका ऊपर वाला पार्ट ओपन हो जाता है, ये देखें, ओह सॉरी, ये यहाँ से ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, इसके अंदर दोनों के अंदर स्पेस भी काफ़ी है। उसके अलावा अगर आप साइड पे देखें, इन्होंने इसकी क्या कहते हैं जो स्पीकर दिए हुए हैं मेरिडियन के, वो स्पीकर दिए हुए हैं साथ, इसके आप साइड के डोर्स देख सकते हैं जिसके अंदर लेदर का काम हुआ हुआ है और बड़ा ही ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है। उसके अलावा आप इसके, अब आपको मैं सबसे पहले इसके गेट का बता दूँ, ये देखें ये इसके जो क्या कहते हैं गेट के सारे कंट्रोल्स हैं, ये मतलब सबसे पहले रिट्रैक्टेबल मिरर का है रेंज रोवर के अंदर जो है। उसके अलावा ये जो बैक व्यू मिरर हैं आप इसके के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसके बैक व्यू जो मिरर उसके कंट्रोल हैं, और ये जो शीशे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये शीशों के लॉक के लिए और चिल्ड्रन लॉक के लिए। उसके अलावा इसके थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इनका आप देख सकते हैं कि यार बड़ी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी है, मतलब क्रोम के अंदर इन्होंने हैंडल दिया है, मतलब इसको खोलने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है देखी जाए तो, और नीचे से भी मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त। उसके अलावा ये देखिए इन्होंने छोटी सा इधर ट्रंक दिया हुआ है, ट्रंक नहीं सॉरी कह सकते कि बॉक्स दिया हुआ है, कि मतलब छोटी मोटी चीज़ आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा अगर, क्योंकि लाइट अभी कम है इस वजह से शायद, ये देखें इधर भी आपको छोटी सी स्पेस मिल जाती है कि आप कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं। इसकी आप मतलब लेदर और बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, मतलब माशाल्लाह आप वाकई गाड़ी दिल करता है कि चलाने को दिल करता है। उसके अलावा ये देखें इसके ये डोर लॉक का ऑप्शन है, उसके अलावा ये सारे इसके डोर लॉक का ऑप्शन, ये इसका हीटेड सीट है, हीटेड सीट का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आपको मैं इधर दिखा दूं, जिस तरह इसका जो गियर का सिस्टम है, ये गियर का सिस्टम देख लें, ये मतलब इसका जब PR&D, मतलब ये इसका और हिसाब है पाकिस्तान वाली गाड़ियों के
मुताबिक इसका हो रहा है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके वॉल्यूम कंट्रोल हो गया, ये इसके क्या कहते हैं वो जो डबल इंडिकेटर हो गया, ये इसके मतलब सारे सीट के हो गए जो भी हैं क्या कहते हैं सॉरी ये भी डबल इंडिकेटर का है, ये मुझसे गलती हो गई है। चलें खैर छोड़ें, इसके ये फ़ैन वगैरह देख सकते हैं आप, इसके एसी के कंट्रोल यहाँ पे हैं और इसकी स्क्रीन के मतलब कंट्रोल इस जगह पे हैं, ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा आप इधर कप होल्डर देख सकते हैं, ये देखें मतलब यार बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ मैं कहता हूँ ना, वाकई रेंज रोवर कोई चीज़ है। उसके अलावा आप देखें इसको मतलब थोड़ा सा दोबारा प्रेस करके दोबारा इसको वापस ले आएंगे तो आपको ये बंद हो जाएगा। उसके अलावा आप नीचे देखें तो ये क्या कहते हैं ऑटो, ये मतलब हिल्स वगैरह के ऊपर चलाने के लिए ये बटन है, ये सारे ये लो मतलब गाड़ी के ऑप्शन इसके अंदर देखें, ये अप करने के लिए डाउन करने के लिए मतलब ये टोटली ये इसका पार्क का बटन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक हो गया, ये पार्किंग का इसका ऑप्शन हो गया। उसके अलावा आपको इसका मैं दिखा देता हूँ ये कंसोल बॉक्स, कंसोल बॉक्स देखें ये पूरे का पूरा, ओ भाई ये तो कुआं है पूरे का पूरा, माशाल्लाह ज़बरदस्त यार मैं कहता हूँ, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा आपको ये सिगरेट लाइटर मिल जाता है, USB मिल जाती है, ठीक हो गया, और मतलब और हार्ड डार्क देखें मतलब काफ़ी गहरा है और पता चलता है कि मतलब इसके अंदर स्पेस है और गाड़ी ज़बरदस्त है, खुद ही गाड़ी बताती है कि मैं कुछ हूँ पड़ी। उसके अलावा आपको इसके ऊपर दिखा देता हूँ इसके जो सनशेड होते हैं, ये देखें इसके सनशेड शायद आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें इसके, ये देखें स्लाइडर लगा हुआ है, मतलब इसके स्लाइडर को साइड पर करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर लाइट है, और ये अपनी प्यारी प्यारी बूथी देखने को, मैं देखूँ कैसी लग रही है, वाह जी वाह, ये अपनी प्यारी प्यारी बूथी देखने के लिए इधर उन्होंने सनशेड के अंदर आपके लिए आसानी कर दी है। और ये पैसेंजर साइड पर भी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसको थोड़ा, ये देखें मतलब दोनों साइडों के ऊपर है, ठीक है, और इधर भी एयर बैग दिया हुआ है इन्होंने, ज़बरदस्त है यार ये तो बहुत मैं कहता हूँ। उसके अलावा ये देख लें मतलब ये सारे इसके ये जो पैनोरामिक जो इसका सनरूफ है ये कंट्रोल करने के लिए, इसकी लाइट्स वगैरह ये सारे ये देखें, मतलब टच सिस्टम ये सारे का सारा, हमारे पाकिस्तान में वो धड़ 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 वाला हिसाब नहीं है, मतलब खुद ही गाड़ी खुद लग्जरी है, मतलब बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी है। आप इसके ये रूफ देख सकते हैं, ये हैंडल्स वगैरह इसकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी है। इस साइड पर एक एयर बैग दिया हुआ है कंपनी ने रेंज रोवर ने, उसके अलावा साइड पर इनके सीट बेल्ट दिए हुए हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा मैं आपको इसके अभी पीछे से भी दिखा देता हूँ, फिलहाल इसके तो अभी आगे के फंक्शन नहीं ख़त्म हो रहे तो मैं अभी पीछे कैसे जाऊँ। अच्छा ये देखें आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं यार, माशाल्लाह ये देखें ये इसका पुश स्टार्ट का बटन है। उसके अलावा नीचे इसका ये ऑप्शन है कि आपको ब्रेक पर पाँव रख के स्टार्ट करना पड़ेगा, ये ना हो कि आप ब्रेक पर पाँव रखे बगैर ही स्टार्ट कर दें, यार माशाल्लाह मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। अगर आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है ये चेक करें आप, इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करें, इसके मीटर का आप खुद ही आपको देखें टोटल डिजिटल है इसके अंदर, मतलब इसके फ्यूल की गेज आपको राइट साइड पे फ्यूल की गेज नज़र आ रही है, इसका मीटर का सारा डिस्प्ले नज़र आ रहा है, फ्यूल की मतलब बता रहा है कि टैंक में कितना है कितना नहीं, और मतलब टोटल इसके गाड़ी के जो फंक्शन है आप यहीं से देख सकते हैं, वो पाकिस्तानी गाड़ियों वाला हिसाब नहीं है कि मतलब इधर से दरवाज़ा खुला तो पता चलता है कि पीछे वाला। और इसके मज़े की बात यह है कि अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये गाड़ी का मतलब पाकिस्तानी गाड़ियों में ये होता है कि आप इसके स्टीयरिंग को खुद ही कंट्रोल करते हैं, मगर इसके अंदर ये फंक्शन है कि अगर मतलब स्टार्ट करके दोबारा बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ना अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ये इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो मुझे तो यार ये गाड़ी माशाल्लाह वाकई बड़ी पसंद है। आप बाकी इसका मीटर वगैरह देख सकते हैं तो कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, मतलब सारे कंट्रोल इसके आपको उधर से ही नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें आप यार मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। ये बाकी आपको गाड़ी के पीछे से रिव्यू करवा देते हैं, फ्रंट तो हमने माशाल्लाह फ्रंट में स्पेसिफिकेशन ही इतनी है कि हमें भी समझ नहीं आ रही कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, बाकी इसकी बैक पे भी आपको दिखा देते हैं, चले आए इसकी बैक साइड पे चलते हैं। तो यार बाकी आगे से तो आपको रिव्यू करवाया है तो आगे के फंक्शन नहीं ख़त्म हो रहे थे तो मैं पीछे के बताना, अभी पता नहीं आगे से कितने मिस हो गए मुझे भी नहीं पता, चले हम पीछे वाली साइड पर आ जाते हैं, चले हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा ये जो बटन है ना ये समझ नहीं आती किसी, ये देखें ये आप इसके जो हेडरेस्ट है इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये बटन इस साइड पर भी है और इसकी इस साइड पर भी है। उसके अलावा आगे सीटों का आपको ये बताना भूल गया हूँ कि इसके साथ ना आर्म रेस्ट भी है जो आप अपनी मर्जी से नीचे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक हो गया, और इसके अंदर डुअल एसी शादे वगैरह आपको दिखाएं, शादे जरा दिखाएं, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ये क्रोम के साथ और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, और ये सारे मतलब इसका डुअल एसी पीछे से सारा कंट्रोल मल्टीमीडिया वगैरह ये टोटली ये नीचे एसी दी हुई है। उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे पीछे पैसेंजर के लिए भी LCD वगैरह के मतलब इंटरटेनमेंट इसके अंदर फुल है। उसके अलावा इसके पीछे भी स्पीकर हैं, ये सीट थोड़ी पीछे हो गई, चलें कोई नहीं, अगर आप नज़दीक से इनको दिखा सकते हैं, ये इनके अंदर जो मेरे डॉन के मैंने आपको बताया था कि स्पीकर लगे हैं वो, और ये इसकी विंडो के एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ,
ये विंडो कंट्रोल के ऑप्शन है, उसके अलावा ये विंडो के लॉक के ऑप्शन है अगर आपको नजर आ रहे हो, और ये इसके डोर ओपन करने के। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखें मतलब पूरा टच सिस्टम है, मतलब हल्का सा टच करें तो ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं इसकी, ठीक हो गई। स्पीकर हैं इसके साथ, ये इनके हैंडल हैं, और एक और चीज़ ये देखें इसके यहाँ पे भी एयर बैग हैं। उसके अलावा सीट बेल्ट ये दिए हुए हैं कंपनी ने। उसके अलावा मैं पीछे भी मतलब काफ़ी खुली स्पेस है अगर आपको दिखाऊँ, ये देखें मतलब ये इसके यार असल में लाइट कम है, इस वजह से शायद थोड़ा रिजल्ट आपको पूरा सुरा आ रहा हो। चले बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साफ नज़र आए, बहरहाल मुझे नहीं लग रहा कि आपको शायद साफ नज़र आए। चलें बाकी कोशिश करते हैं कि आपको इसके भी ट्रंक का भी रिव्यू करवाते हैं, उसके अलावा इसके बोनट का, इंजन का, इसके बाहर से भी टोटली रिव्यू करवाते हैं, तो ताकि आपको भी पता चल जाए कि यार पाकिस्तानी गाड़ियों और बाहर की गाड़ियों में कितना फ़र्क है। तो चले आ जाएँ आपको इसके ट्रंक वाली साइड पर ले चलते हैं। और हाँ यार एक और चीज़, इसकी ना जो बैक साइड वाली है ना, ये सीट्स ये भी हीटेड सीट हैं, और इसके साथ ये देखें ये इसका ये कप होल्डर है, ये देखें ये इसका कप होल्डर है, मतलब काफ़ी खुली जगह है आपको नज़र आ रही है, आप यहाँ पे कप होल्डर वगैरह रख सकते हैं। उसके अलावा ये देखें ये बटन है, इस बटन से मतलब आप यहाँ पे अगर छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स रखने हो या कुछ खाने वाने की चीज़ रखनी हो या कोई शॉपर वगैरह शॉपर वो वाले वो आप रख सकते हैं इधर, ठीक हो गया। ये आप यहाँ से बंद करके दोबारा इसको बंद कर दें, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार, एक आपको इसका बैक का भी व्यू नज़र आ रहा होगा। बाकी यह है कि आपको इसका जो ट्रंक है उसका दिखा देता है, और इसके अलावा मैं आपको इसके बोनट का भी दिखा देता हूँ इंजन का, फिर उसके बाद हम एंड में इसके जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका इस गाड़ी के साथ क्या एक्सपीरियंस है और वो क्या क्या कहना चाहेंगे इस गाड़ी के बारे में। चलिए आइए इसके बाद हम चलते हैं ट्रंक की साइड पे। तो ये आपको मैं व्यूअर्स बताना भूल गया कि ये इसकी सीट कंट्रोल है टोटली, ये देखें आपको मतलब टोटली इलेक्ट्रिक जो सीट है, आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं नीचे, मतलब सारा मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नीचे दिखाऊँ, ये इसका जो ब्रेक है और ये इसका एक्सेलरेटर है ये, और ये भी आपको बताना भूल गया कि ये जो इसके कहते हैं इसका ट्रंक का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये इसके ऊपर नीचे करने का मतलब गाड़ी को ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद इसके स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए ये इधर ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका जो ट्रंक का ऑप्शन है ये पाकिस्तानी गाड़ियों की तरह नहीं है, इधर इसके मतलब जो ट्रंक का ऑप्शन है वो उस साइड में, मतलब वहाँ पे मैं जा नहीं सकता, मतलब आपको दिखा देता, वरना ये है कि आप गाड़ी की अंदर से लुक देख लें, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा शौकीन है तो वो इस चीज़ को समझेगा कि वाकई कोई चीज़ है। या आप इंटीरियर का एक मरतबा दोबारा से देख लें कि वाकई नायाब चीज़ है, और वाकई इस गाड़ी में बैठ के पता चलता है कि वाकई कोई गाड़ी है बड़ी। अच्छा तो यार हम आ गए हैं गाड़ी के बाहर, और अभी इसका बोनट का रिव्यू करवाएंगे, और अरबाब भाई हमारे साथ हैं, तो अरबाब भाई आपने गाड़ी के बोनट के बारे में बताना, क्योंकि हमें इसके बारे में इधर नहीं पता। तो ये देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं जी। यार बाप भाई हमें आप थोड़ा आप गाइड करें इसके इंजन के बारे में कि क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है, अभी आप थोड़ा थोड़ा बताएं कि एक चीज़ का, ताकि हमारे व्यूवर्स देख सकें कि क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है। ये 5000 सीसी इंजन है इसका, जी जी, और ट्विन टर्बो में है, ठीक हो गया और इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये पूरी, सही, इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं, सही, और इंजन स्पेस है इसका जो होता है, सही, ठीक हो गया। बाकी अंदर के फीचर्स, अंदर के तो फीचर इतने थे कि मैं खुद भी नहीं बता सका मेरे ख्याल में। इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं इसमें, सही, ये देख सकते हैं आप इसके इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं, बाकी ये इसका ये पूरा पैक होता है, ठीक हो गया। हाँ ये पाकिस्तानी गाड़ियों की तरह नहीं है कि मतलब वो हेड गैसकेट सामने नज़र आ रही है और कुछ भी, मतलब ये पूरा अभी मेरे सर वाले लगता था। चलो कोई नहीं, ये देखें आप गाड़ी का लुक बाहर से भी देख सकते हैं, अप्लाइड फॉर गाड़ी है। बाकी इसके ट्रंक को आपको दिखाते हैं, और इसके आप फ्रंट से लुक भी देख सकते हैं कितनी एग्रेसिव गाड़ी है, ये चेक करें आप गाड़ी, ये माशाल्लाह काफ़ी एग्रेसिव लगती है। बाकी इसके ट्रंक का दिखाते हैं, और सॉरी हाँ आपको एक और चीज़ दिखाएं कि इसके ये जो बल्ब हैं, ये हेलोजन DRL बल्ब हैं जी, हेलोजन DRL बल्ब, और ये हाँ ये लाइट वॉशर है, ये देखिए ये गाड़ी के अंदर कैमरे, ये सेंसर है इसके ऑटो पार्किंग, सही हो गया। और ये इसके नीचे फॉग लाइट दी हुई है इन्होंने कंपनी ने, और ये मतलब इसकी ग्रिल आ गई सर, और ये देखिए फॉग सेंसर है, टोटली मतलब टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, आपको जो कि नज़र आ रही है ये कैमरे, मतलब ये पूरे इसके चारों तरफ ही कैमरे हैं, और सामने आपको इसके रेंज रोवर का ये बैच मिल जाता है, उसके अलावा इसकी ग्रिल भी आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको इसके ट्रंक की दिखाते हैं, रिव्यू करवाते हैं, और इसके दो तीन और स्पेसिफिकेशन जो शायद मैंने मिस कर दिए है वो अरबाज भाई बताएंगे।
और ये इसके देखें, ये माशाल्लाह बड़े क्रोम कलर के अंदर है, और इसके साथ ये इंडिकेटर के मतलब ऑप्शन भी इसके अंदर है। हाँ, और ये सेंसर से मतलब ओपन होते हैं इसके जो डोर हैं उसके अलावा फोर डोर सेंसर है यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा ये है कि अगर आप इसके डोर को ओपन करेंगे तो इसके मतलब नीचे जो फुट रखने की जगह है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। तो इसके टायर का साइज़ देख लें, इसके आप ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं, मतलब रिम साइज 20 है। देखिए इसका रिम साइज 20 बता रहे हैं। अच्छा, तो आप इसका ट्रंक वगैरह हमें खोल के दिखाएंगे। ये देखिए रिमोट कंट्रोल इसका ट्रंक है टोटली। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त यार ये। अब अच्छा मैं आपको अंदर से भी दिखा दूँ ट्रंक भी, इसका मतलब काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, ये देख लें। और इसके अंदर ये है कि लाइट्स वगैरह कंपनी की तरफ से हैं बड़ी, ये है कि रात के टाइम आपको कोई मसला नहीं होगा कि अगर आपको मतलब चीज़ें ढूंढने में मसला हो रहा है। ये एयरबैग किस चीज़ के लिए ये थोड़ा बताएं हमें? ये चार्जर है। हाँ अच्छा, ये चार्जर है जी, ठीक है। इसके अलावा ये इसकी डिग्गी की स्पेस है, ये देखें इसका स्पेयर व्हील है, वो आगे इसके वो जो जैक वगैरह रखे हुए हैं, उसके अलावा टूल किट वगैरह ये सारी मतलब आपको नज़र आ रही है इसके अंदर। उसके अलावा ये कि ये ऑटो मतलब है पड़ा, ये मतलब अगर आप इसको ये इसका बटन प्रेस करेंगे, ये देख लें यार ये बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है। अगर इसको समझने वाले समझें तो ही इनका पता चलेगा कि क्या चीज़ है। इसके बाद आपको इसकी लाइट्स वगैरह इसको बंद भी करके दिखा रहे हैं, मतलब ये टोटली ऑटो है मतलब टोटली। वो देखें ऊपर भी बटन के साथ है, मतलब कोई इसके अंदर पाकिस्तानी वो झटके वाला सीन नहीं है। ये देखें आप, ये देखें लाइट्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है इन्होंने कंपनी की तरफ से। और बाकी इसको आपको साइड्स भी दिखाते हैं, इसकी लाइट्स वगैरह सबका हम एक बार तो रिव्यू करवाते हैं। ये चेक करें इसका, ये रेंज रोवर का वॉक मॉडल है। इसकी लाइट चेक करें, कि लाइट्स का मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है, मगर फिर भी ये है कि आप चेक कर सकते हैं इसकी, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। अच्छा, अभी इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फुट पोर्ट दिखाएंगे, ये रिमोट कंट्रोल है, ये देखें वहाँ से अनलॉक की है गाड़ी, और ये ऑटोमेटिक ही मतलब अगर आप डोर ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। एक सेकंड अभी दिखाते हैं आपको, ये देखें आपने डोर ओपन की है, और साथ ही मतलब ये आप बंदा जो छोटी हाइट का है तो मतलब आराम से ऊपर जा सकते हैं। जैसे गाड़ी लॉक करेंगे उसके बाद ही मतलब दोबारा ऊपर चले जाते हैं। ये देखें यार ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप किसी रेंज के अंदर पाकिस्तानी TX या V8 वगैरह देखते हैं, मतलब उसके अंदर इतने फीचर नहीं है जितने इस गाड़ी के अंदर फीचर हैं। बाकी ये है कि आपको मतलब उम्मीद है कि गाड़ी का जो रिव्यू पसंद आएगा। इसके बाद हम आपको गाड़ी के ऑनर से मिलवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका इस गाड़ी के बारे में क्या रिव्यू है, और मतलब उनसे पूरी डिटेल लेते हैं, और इसकी आस्किंग प्राइस आपको बताएंगे, और टोटली मतलब जो भी इसका हाउ नाउ है वो आपको वही बताएंगे सही तरीके से, क्योंकि मैं तो नहीं बता सकता, तो वही बताएंगे। फिर आए उन्हीं से मिलते हैं तो उन्हीं से पता कर लेते हैं। अगर आपको गाड़ी का बैग देखें आपको, ये मतलब इन्होंने एलुमिनियम टाइप की ये पट्टी दी हुई है पूरी, और गाड़ी अप्लाइड फॉर, ये रेंज रोवर का पूरा लोगो लगा हुआ है, और इधर देखें लैंड रोवर का अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें लैंड रोवर का बैज दिया हुआ है। इसके अलावा इसके मतलब टोटली चारों तरफ ये सेंसर लगे हुए हैं अगर आपको नज़र आए। और गाड़ी मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था 2014 मॉडल है और 2018 का इम्पोर्ट है। उसके अलावा ये इसकी बैक लाइट आपको बताना भूल गया था, ये इसकी बैक टेल लाइट जो लगी हुई है ये भी मतलब आपको दिखा दूँ, ये शायद मैं पहले मिस कर गया था। और इसके अंदर मतलब जो डिफॉगर इसके अंदर जो स्क्रीन के अंदर होता है वो भी इसके अंदर ही है, वो ब्लैक शीशा उन्हें टिंटेड होने की वजह से मतलब ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो आए चलें अभी चलते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके इस बारे में क्या राय है। और ये आप इसका रूफ देख सकते हैं, मतलब पैनारोमिक पूरा रूफ है। आपको मैं इसके कीलेस एंट्री का बताऊं, आप इसका रिमोट देख सकते हैं माशाल्लाह, इसके जो डबल आ रहा है ना यही पैसे पूरे कर देता है बंदे के। और आप देखें ये सबसे पहले लॉक का ऑप्शन है, ये अनलॉक का ऑप्शन है इसके रिमोट के अंदर, ये इसकी जो लाइट्स हैं उसका कंट्रोल है, और आप मतलब ट्रंक का हो गया, और ये डबल इंडिकेटर का ऑप्शन हो गया। ये मतलब आप देख सकते हैं मतलब क्या मतलब खूबसूरत चीज़ है। बाकी आएँ और रिव्यू करते हैं इसका। रेंज रोवर के जो ऑनर हैं अरबाब भाई, तो इनसे रिव्यू कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इनका इस गाड़ी के बारे में क्या एक्सपीरियंस है। तो बाकी इनसे पूछ लेते हैं, ये शेयर करते हैं हमारे साथ, तो आपको भी पता चल जाएगा कि इस गाड़ी की क्या स्पेसिफिकेशन है और लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो अरबाब भाई हमें ये बताएँ कि आप इस गाड़ी को रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल रिकमेंड करते हैं।
आपको इस प्राइस में आपको 18-19 मॉडल का ZX मिलता है जो पाकिस्तानी है। सही। और इसमें इतने फीचर्स नहीं है जैसे अब इसमें ये देखें। हाँ इसके फीचर तो माशाल्लाह बहुत, इसमें स्पेस अच्छी है, बिल्कुल ऐसे 5000 सीसी है। सही हो गया। ठीक है। और सबसे बड़ी इसमें जो है, इसमें जो इंसान की सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा ये है। बात बिल्कुल। एयरबैग्स, 8 एयरबैग्स। हाँ मैं बिल्कुल बता चुका हूँ कि इसके अंदर 8 एयरबैग्स हैं जो कि मेरे ख्याल पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं आते। और इसका जो इंटीरियर लुक और एक्सटीरियर जो भी है इसका, मतलब टोटली पाकिस्तानी गाड़ी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप इस पर 1000 मील भी सफर करें तो आपको जो है कहीं से थकावट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही रिलैक्स गाड़ी है। हाइट कंट्रोल है, ऑफ रोड ऑन रोड सही में बेहतरीन कार है। सही हो गया। सस्पेंशन बहुत अच्छा दिया गया है इसमें। सही। तो जी अच्छा ये पूछना चाहूंगा कि आप रेकमेंड करेंगे लोगों को कि वो ZX लेने की बजाय रेंज रोवर की तरफ आएं या इम्पोर्टेड गाड़ियों की तरफ आएं? देखिए ना, ZX एक जापानीज कार है लेकिन उस वो पाकिस्तान में लोग बस जो है लकीर के फकीर। बिल्कुल ऐसे ही है, खोते चलाने वाले, खोते चलाने वाले। रेंज रोवर जहाँ डबल आर आ जाता है वहाँ बात खत्म हो जाती है। ये तो बात है, ये तो ब्रांड है, ये तो खुद गाड़ी बताती है। ठीक है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो ZX में फुल हाउस वाली गाड़ी में भी अभी तक ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे इसमें आप दिखा सकते हैं कि इसमें पैनोरमिक सनरूफ है। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। फ्रंट वाली लाइट बात करो, इसमें पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। उसके अलावा इसमें सही है, सेंसर दिए गए हैं स्क्रीन में, पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सही। लैन असिस्टेंट है इसके अंदर, मेमोरी सीट्स हैं। सही। दिखा चुके हैं। जी जी मैं दिखा चुका हूँ। इसमें ये मेरिडन के स्पीकर हैं। सही। ये हाँ जी, ये मैं बिल्कुल ऐसे मैं कस्टमर को एयर एंटरटेनमेंट है। इसकी बैक सीट्स जो हैं वो भी इसकी जो है हीटेड है। बिल्कुल ऐसे। और इसकी ये गियर देखें, बिल्कुल ये बहुत प्यारा इसका जो है टच दिया गया गियर का, बिल्कुल मालूम नहीं होता कि यहाँ पर गियर है। बिल्कुल ऐसे है। ये कप होल्डर दिए हुए हैं। जी बिल्कुल। बैक स्पेस आप दिखा सकते हैं। जी जी मैंने दिखाया है, ये अपने व्यूवर्स को सब कुछ दिखा चुका हूँ। तो अच्छा, और इसके बारे में ये पूछना चाहूंगा कि मतलब इसको चलाने और जो पाकिस्तानी ZX को चलाने में कोई फर्क है, या मतलब आप क्या रेकमेंड करेंगे, मतलब कोई फर्क पता भी चलता है या वहाँ? बहुत ज्यादा फर्क है। ये गाड़ी आपको कम्फर्टेबल, आउट क्लास कम्फर्टेबल है। सही हो गया, ठीक हो गया। सही। और ZX और इसको कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे है। बाकी रेंज रोवर ये तो मानने की बात है कि बाकी गाड़ी खुद बताती है कि मैं हूँ क्या। जी। अच्छा मैंने ये सुने में आया कि आप इसको सेल करना चाह रहे हैं, तो आपकी आसिंग प्राइस क्या है कि अगर कोई शौकीन बंदा जो लेना चाहता है, जो अपने आप को मतलब तरक्की की तरफ लेके जाना चाहता है, कोई अच्छी गाड़ी लेना चाहता है, तो मतलब मैं तो उसे रेंज रोवर रेकमेंड करूंगा, तो वो आपसे मतलब रब्ता कर लेगा? बाकी मैं अरबाब भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो बाकी जो मजीद डिटेल है आप इनके पास आके चेक कर लें। ये खानेवाल रोड के ऊपर ये PSO पेट्रोल पंप है, उसके पीछे है गोगा पेट्रोल पंप, उसके अपोजिट साइड पे है तो पंजाब कार्स के नाम से, तो वहाँ पे आके आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने बताया दे दूंगा। बाकी अगर आपने लाइव देखना है गाड़ी को तो वो आप इधर आके ज़रूर इनकी शोरूम पे विज़िट करें, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गाड़ी हैं। और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तानी गाड़ियों से छुटकारा पा के आप इम्पोर्टेड गाड़ियों की तरफ आएँ जिसमें सेफ्टी फीचर भी ज़्यादा पाए जाते हैं पाकिस्तानी गाड़ियों के निस्बत। तो आप जाते जाते अरबाब भाई कोई हमारे व्यूअर्स के लिए पैगाम देना चाहेंगे? बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि जब इंसान इतने अमाउंट की तरफ जाता है तो अपनी सबसे पहले अपनी जान की सेफ्टी देखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो और इसमें इस गाड़ी में इंसान की सेफ्टी है, बाकी तो जो सारे काम है अलग है। बिल्कुल ऐसे इंसान को अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए। और ये गाड़ी जो है बहुत एक कंप्लीट कार, जिसे कहते हैं कंप्लीट कार है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी आस्किंग हम 375 कर रहे हैं, ठीक हो गया। बाकी जैसे कोई लेना चाहेगा ठीक है, वो फिर कंसेशन, उस कंसेशन बिल्कुल मिलेगा। ठीक हो गया। ठीक, आप हमारे रेफरेंस से आएंगे, आप अरबाब भाई को नाम बताएंगे, तो इंशाल्लाह ताला जितनी हो सकेगी तो वो आपके साथ जरूर मोहब्बत करेंगे। बाकी आए विजिट करें इधर, और भी माशाल्लाह बहुत अच्छी इम्पोर्टेड और नॉर्मल रेंज में गाड़ियां आपको मिल जाएंगी, बजाय कि आप बाहर से जाएं और लोगों से लें और फिर आप हफ्ते बाद आके खड़े होंगे यार वो फलां गाड़ी ये हो गया, आप वर्कशॉप के चक्कर लगाते रहें। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ, वैसे मेरे बड़े भाई हैं, आप इनसे मतलब रब्ता करेंगे तो आपको अच्छी ही चीज़ देंगे। तो हमारा मतलब काफ़ी अरसे से ताल्लुक है तो इनको मैं मतलब बड़े अच्छे से जानता हूँ। अब बाकी इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो बाकी आपको सारी डिटेल ये इधर लाइव ही बता देंगे। ठीक है फिर अरबाब भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।